बार मैं इनको कर दूंगा, हिंट कर दूंगा। Yeah, it's okay. Yeah, working. It's okay. साथियों, आज 5 मई कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। 203 साल पहले 1818 में मार्क्स का जन्म हुआ था। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो एक विचारक था 200 साल पहले की 19वीं शताब्दी की, उनके बारे में आज हम क्यों चर्चा करते हैं। तो आज हमारे मार्क्सवाद और मार्क्स के बारे में जो प्रासंगिकता है आज की दुनिया में, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 21वीं सदी में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता क्या है और कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने जो एक सिद्धांत तय किया था, जो एक दर्शन तय किया था, उसका महत्व क्या है। मार्क्स और एंगल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को विस्तार किया था और दार्शनिक तौर पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समाज का परिवर्तन कैसे होता है, इतिहास कैसे रचा जा सकता है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने एक वैज्ञानिक ढंग से दिखाया कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो उस समाज के उत्पादन के जो तरीके हैं उसको बदल के नया उत्पादन की तरीका जब स्थापित होता है उसी से बुनियादी परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन के पीछे वर्ग संघर्ष है। वैसे मार्क्स और एंगल्स के पहले ही बहुत से लोगों ने वर्ग संघर्ष को पहचाना था कि समाज में वर्ग संघर्ष है, एक शोषित वर्ग है और शोषण करने वाले वर्ग है, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन मार्क्स और एंगल्स ने वर्ग संघर्ष और उत्पादन के तरीकों में कैसे बदलाव आता है, इसके बीच में क्या लिंक है, संपर्क है, इसको स्पष्ट किया। तो इसीलिए मार्क्स ने एक मशहूर कहावत है कि ऑल हिस्ट्री हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। इतिहास जो है, जो कुछ हुआ है इतिहास में, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर ही मार्क्स ने फिर
पूंजीवाद का विश्लेषण किया कि पूंजीवाद जो एक नया उत्पादन का एक तरीका है उसका जन्म कैसे हुआ, पुराने सामंतशाही को खत्म करके उन्हीं के भीतर से जो पूंजीवादी रिश्ते कायम हुए थे वो पूंजीवादी रिश्तों के आधार पर जो नए वर्ग कायम हुए उनके वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था कायम होता है। और मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था, जो दुनिया में सबसे मशहूर एक राजनीतिक दस्तावेज है। इस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने बताया कि किस तरह पूंजीवाद का उदय होता है, पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैलता है, एक विश्व पैमाने का व्यवस्था या रिश्ता कायम होता है और एक नया वर्ग इसी पूंजीवादी समाज में उत्पन्न होता है, वो है मजदूर वर्ग, और किस तरह मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष होता है और उस वर्ग संघर्ष के माध्यम से किस तरह क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है जिससे पूंजीवाद को खत्म करके एक नया ढांचा कायम होता है जिसको समाजवाद कहते हैं। और समाजवाद साम्यवाद का पहला स्टेज है या स्तर है और अंतिम स्तर है साम्यवाद जिसमें एक वर्गहीन समाज कायम होता है। तो ये जो मार्क्स और एंगल्स ने वैचारिक योगदान दिया वो जो जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं ये एक जीवंत सिद्धांत है। ये नहीं कि 19वीं सदी में जब पूंजीवाद का उदय हुआ था उस समय जो मार्क्स और एंगल्स ने उसका विश्लेषण किया वही हमेशा के लिए पूंजीवाद का चरित्र रहेगा, पूंजीवाद का व्यवस्था रहेगा। मार्क्स और एंगल्स ने इस तरह का कोई ऐसे कुछ किताब या ग्रंथ नहीं लिखा था जिससे जिसको हम जैसे हमारे देश में हम किसी ग्रंथ पर जाके वेद को पढ़ के कहते हैं कि यह होना चाहिए होगा। मार्क्स और एंगल्स ने एक साइंटिफिक मेथड दिया था, एक वैज्ञानिक ढंग से किस तरह समाज का विश्लेषण किया जा सकता है, किस तरह एक क्रांतिकारी वर्ग के लिए अपने क्रांतिकारी रास्ता दिखाता है, ये मार्क्सवाद का सार है। तो मार्क्सवाद लगातार अपडेट होते जाता है, उसका अद्यतन होते जाता है। तो 19वीं सदी के बीच में 1848 में जैसे मैंने कहा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा गया जो बन गया, वहां उस जमाने के जितने भी मजदूर संगठन थे यूरोप में उनके लिए वो एक दस्तावेज था, उनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन पहला संगठन फर्स्ट इंटरनेशनल कायम हुआ। लेकिन उसके बाद मार्क्स के देहांत के बाद एंगल्स ने इसी मार्क्सवाद को और विस्तृत किया, उसको और गहराई से अध्ययन करके और निष्कर्ष निकाले और पूंजीवादी जो व्यवस्था का चरित्र है वो मार्क्स ने कैपिटल में दास कैपिटल में उसका बहुत साइंटिफिक ढंग से विश्लेषण किया था। वो मूल एक फ्रेमवर्क है, चौकटी है जिसके आधार पर हम पूंजीवादी व्यवस्था का कामधाम, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदरूनी जो तरीके हैं उसको समझ सकते हैं और उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इस्तेमाल करते हुए लेनिन ने 19वीं सदी के अंत में
मार्क्स और एंगल्स ने जो पूंजीवाद के बारे में विश्लेषण किया था उसी पूंजीवाद को और उसका आगे कैसे विस्तार हुआ है उसको उसका स्पष्टीकरण दिया। और लेनिन ने कहा कि जो पहले स्तर में शुरुआती दौर के जो पूंजीवाद है वो पूंजीवाद में एक परिवर्तन आया है, उसमें और विकास हुआ है जिससे इजारेदार पूंजी विकसित हुआ है जिसको हम साम्राज्यवादी या इजारेदार पूंजी का स्तर मानते हैं। और इजारेदार पूंजी के अवस्था जो है स्तर है उसको लेनिन ने कहा ये विश्व पैमाने पर साम्राज्यवादी दौर को भी हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब इजारेदार पूंजी का विकास और इजारेदार पूंजी का जो सबसे उच्चतम स्तर है पूंजीवाद का वो है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि विश्व पूंजीवाद पैमाने पर विश्व पूंजीवाद का जो फैलाव हुआ और इजारेदार पूंजी का विकास जो विकसित पूंजीवादी देशों में हुआ, ये दोनों का मेल है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद का प्रभुत्व कायम होके पूरी तरह साम्राज्यवाद कायम हो जाता है। तो ये 20वीं सदी के शुरू में लेनिन ने इसके बारे में व्याख्या किया था और ये एक बहुत बड़ा योगदान था मार्क्सवाद के लिए, मार्क्सवादी समझ के लिए। लेकिन लेनिन ने कुछ जो बुनियादी बातें रखी साम्राज्यवाद के बारे में वो बना रूस में रूस के बोल्शेविक पार्टी के लिए क्रांति बनाने के लिए, क्रांति करने के लिए लेनिन ने जो साम्राज्यवाद का जो समझ दी कि साम्राज्यवादी खेमे के अंदर पूंजीवादी देशों के बीच में टक्कर होता है, टकराव होता है अपने अपने साम्राज्य को अपने कब्जे में रखने के लिए और उससे युद्ध उत्पन्न होता है। और जो महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध 20वीं सदी में 1914 से 18 के बीच में, उसमें रूस भी शामिल थे क्योंकि वो भी एक साम्राज्यवादी देश था, जर्मनी था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ये सब आपस में लड़ रहे थे। तो लेनिन ने कहा कि रूस में पूंजीवाद का विकास उस स्तर तक नहीं हुआ है जैसे फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन इस युद्ध में शामिल होने के बाद जो अंतर्विरोध पैदा हुए हैं, रूस साम्राज्यवादी श्रृंखला के सबसे कमजोर कड़ी है। तो हमें इस युद्ध का विरोध भी करना चाहिए क्योंकि मजदूर वर्ग और किसानों को ही इस युद्ध में धकेल दिया गया है सिपाही के रूप में, वो लाखों के तादाद में उनकी मौत हो रही है और हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी संकट भी पैदा हुआ है। तो ये सबसे कमजोर कड़ी है आज साम्राज्यवाद का, इसका मतलब विश्व पूंजीवाद का, तो यही सबसे पहले हमें हमला करना चाहिए, हमारे क्रांतिकारी हमला यहां होगा तो वो क्रांति सफल होगा। तो ये बात नहीं है कि रूस में अचानक जारशाही के खिलाफ एक विद्रोह हुआ और क्रांति हुई है। वो क्रांति हुई थी क्योंकि रूस की बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में विश्व पूंजीवाद का एक सही आकलन किया, अपने देश में शासक वर्ग और पूंजीवाद का सही आकलन किया, उनकी ताकत क्या है, उनके बीच में अंतर्विरोध क्या है और एक मजदूर वर्ग के नेतृत्व वाले आंदोलन के लिए इन अंतर्विरोधों को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक क्रांतिकारी रणनीति उसके आधार पर उन्होंने बनाया। तो कहने की बात यह है कि मार्क्सवाद में पूंजीवाद का जो विश्लेषण है, समाज का परिवर्तन किस आधार पर होता है ऐतिहासिक भौतिकवाद की समझ से, ये सब जो है सिर्फ
किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिस में इसको प्रयोग में ले आते हैं। लेनिन ने कहा था थियोरी और प्रैक्टिस साथ साथ जाता है, सिद्धांत और हमारे किस तरह के उसका व्यवहार में ले आते हैं, ये दोनों को साथ लेके तभी हम उसको मार्क्सवाद लेनिनवाद कहते हैं। तो ये जो मार्क्सवाद की जो एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है या विचारधारा है उसको समझने की बात है कि ये एक स्टैटिक नहीं है कि जो मार्क्स ने कहा या एंगल्स ने कहा या लेनिन ने के बारे में लिखा है उससे फुल स्टॉप हो जाता है मार्क्सवाद का। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में, जैसे जैसे समाज में, जैसे जैसे वर्गों के बीच के रिश्तों में बदलाव आता है, उसी को नजर में रखते हुए ये वैचारिक भी अद्यतन हमें करना पड़ता है, हमारे क्रांतिकारी समझ को भी हमें हमेशा रिवाइज करते जाना चाहिए, सुधारते जाना चाहिए। तो ये जो मार्क्सवाद है वो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता क्या है आज की दुनिया में 21वीं सदी में? पहली बात ये है कि ऐसे 20वीं सदी में, पूरे 20वीं सदी में साम्राज्यवाद था और साम्राज्यवाद के बीच में और समाजवाद के बीच में टक्कर या अंतर्विरोध शुरू हुआ रूस की क्रांति के बाद, जब पहले समाजवादी एक ढांचा खड़ा हुआ रूस में सोवियत यूनियन में। उसके बाद से जब हम देखेंगे जो हमारा जो लिंक है आज की दुनिया में वो ये है कि साम्राज्यवाद जो 20वीं सदी में कुछ घड़ी पर, कुछ वक्त पर कमजोर हुए थे और समाजवाद की ताकत जो है आगे बढ़ा था, जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद जब चीन की क्रांति हुई, वियतनाम की क्रांति हुई और एक तिहाई दुनिया की आबादी समाजवादी व्यवस्था के अंदर आ चुका था और उसी के बराबर से देखा जाए तो साम्राज्यवाद और विश्व पूंजीवाद में कमजोरी कुछ आ गई थी। वो स्थिति फिर बदल गई 20वीं सदी के आखिरी दो दशकों में। वो पूरे इतिहास में हम अभी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि सोवियत संघ के खात्मे के बाद 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो चुका और उसके बाद समाजवादी खेमे को धक्का पहुंचा, उससे जो नुकसान हुआ उसे अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर वर्गीय ताकतों का संतुलन में दोबारा फर्क आ गया, चेंज आ गया और दोबारा साम्राज्यवाद को बल मिला, उसको अपर हैंड मिला। और 90 के दशक में और 80 के दशक के अंत से लेके 90 के पूरे दशक में पिछले शताब्दी के हमने देखा कि साम्राज्यवाद का और पूंजीवाद के विकास के रास्ते में एक और नया स्टेज आया जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। और उसके पीछे था पूंजीवादी व्यवस्था में जो इजारेदार पूंजी का स्तर था उसमें और एक नया स्टेज आया जिसको हम कहते हैं नव उदारवादी पूंजीवाद, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। उसका मतलब क्या है कि पूंजीवाद के अंदर से जो इजारेदार पूंजी के स्तर से एक और नया स्टेज आया है जिसमें विश्व पैमाने पर वित्तीय पूंजी का प्रभुत्व कायम हुआ, बोलबाला कायम हुआ। पहले पूंजीवादी ढांचे में साम्राज्यवादी स्तर पर ये मोनोपोली कैपिटलिज्म में इजारेदार पूंजी में ये कहा गया, जैसे लेनिन ने कहा था कि बैंक का कैपिटल वित्तीय पूंजी और इंडस्ट्रियल कैपिटल औद्योगिक पूंजी का
मर्जर हुआ, मेल हुआ, का मतलब प्रोडक्शन में जो पूंजी लगाया जाता है उत्पादन के लिए और बैंक में जो वित्तीय पूंजी है, ये दोनों के बीच में मेल हुआ। लेकिन उससे धीरे धीरे पूंजी के और अतिकेंद्रकरण से, सेंट्रलाइजेशन से और कॉन्सेंट्रेशन से वित्तीय पूंजी इतना हावी हुआ कि उससे उत्पादन से ही उसका संबंध, लिंक ही खत्म हो चुका बहुत से जगहों में। और वित्तीय पूंजी पूरे दुनिया में घूमते रहे कि कहाँ अपने पूंजी लगा सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम वो मुनाफा कमा सकते हैं। और इस वित्तीय पूंजी के लिए जरूरी था कि दुनिया के हर कोने में उनको हर जगह जाने का मौका मिले, अधिकार हो। और इसीलिए साम्राज्यवादी वैश्वीकरण उसके पीछे था वित्तीय पूंजी का ये पूरा जोर और थ्रस्ट। तो ये साम्राज्यवाद का एक और हमलेवार नंगे रूप का जो हमला है वो स्तर शुरू हुआ जब सोवियत संघ खत्म हो चुका था। के मुकाबला करने में समाजवाद की ताकत उतनी नहीं थी, तो उनका एक एकाधिकार कायम हुआ जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहते थे उस वक्त 80-90 के दशक में। तो इस यूनिपोलर वर्ल्ड में ऐसे लगा कि साम्राज्यवाद फिर पूरी तरह हावी हो चुकी है। लेकिन जैसे मार्क्स ने पहले कहा था, पूंजीवाद के अंदर किस तरह संकट पैदा होता है, वो संकट कोई गलती से या कोई त्रुटि से नहीं होता है, वो संकट जो है वो पूंजीवाद के चरित्र में निहित है, वो संकट निहित है, इंटरनलाइज है उस सिस्टम में। और वो संकट कैसे उत्पन्न होता है वो बहुत सुंदर तरीके से मार्क्स ने बताया था कैपिटल में, दास कैपिटल। तो वो जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो क्वालिटी है या गुण है, जो है गुण ये है कि बार बार वो संकटग्रस्त पोजीशन में आ जाती है। तो नव उदारवादी पूंजी का स्तर वो पिछले जो इजारेदार पूंजी के अंदर संकट पैदा हुआ, उस संकट को पार करने के लिए वैश्वीकरण और नव उदारवादी नीतियों के माध्यम से वो संकट पार किया। लेकिन नव उदारवादी पूंजीवाद का जो बोलबाला रहा है दुनिया में अभी 3 दशक से ज्यादा हो चुका है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी जगहों में नव उदारवाद पहले फैला और फिर अभी पूरी दुनिया में है, वो नव उदारवादी निजाम में आज संकट तीव्र हुआ है। इसका पहला लक्षण हमने देखा 2008 के वित्तीय पूंजी में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ 2008 के वित्तीय पूंजी से बहुत उत्पादन और वित्तीय पूंजी का नुकसान हुआ था 2008-09 के जमाने में। लेकिन जैसे हमने नोट किया था बाद में, हमारी पार्टी कांग्रेस में भी हमने ये बात नोट की है 2018 में, कि इस संकट से पूरी तरह वो पार नहीं कर पाए, पूरी तरह बहाली नहीं हो पाई है। ये विशेषता है कि 2008 के संकट के बाद सिर्फ पार्शियल रूप में, आंशिक रूप में बहाली ज्यादातर देशों में हुई थी। और लेकिन ये नव उदारवादी निजाम में, व्यवस्था में जो संकट पैदा हुआ, जिससे हर देश में आप देख सकते हैं, हर समाज में बड़े पैमाने पर असमानताएं बढ़ी, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं इस हद तक अभी दुनिया के पूरे आबादी में 1% जो लोग हैं उनके हाथ में 60% से ज्यादा विश्व की संपत्ति उनके हाथ में है। तो इतनी तीव्र रूप से असमानता बढ़ी है और वही असमानता अमेरिका में बहुत
बड़े पैमाने पर बढ़ा है सबसे ज्यादा, वही असमानता यूरोप के पूंजीवादी देशों में बढ़ा है और दूसरे देशों में भी, और वही असमानता हमारे देश में भी बढ़ा है बड़े पैमाने पर, क्योंकि हम भी नव उदारवादी नीतियों को पिछले 3 दशक से लागू किए हमारे देश में। तो इससे जो संकट पैदा होता है कि वित्तीय पूंजी का बहुत बड़ा ढेर है, आप पढ़ते हैं कि दुनिया के स्टॉक मार्केट में अरबों करोड़ों डॉलर के जो वित्तीय पूंजी है वो रोज उसका व्यापार होता है, ट्रेड होता है, एक दिन टोक्यो में दूसरे दिन वो चले जाता है, चीन में तीसरे दिन वो चले जाता है, लंदन में। ये वित्तीय पूंजी जो है, इस पूंजी का सब उत्पादन में पूंजी निवेश नहीं किया गया, उत्पादन के लिए वो सिर्फ सट्टेबाजी में पैसा और प्रॉफिट्स कमाने के लिए करेंसी मार्केट में, शेयर मार्केट में वगैरह ये पूंजी को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे लगातार संकट पैदा होता है, असमानताएं बढ़ गए हैं विकसित पूंजीवादी देशों के बीच में और दूसरे देशों के बीच में, और हर पूंजीवादी देश के अंदर भी इसके कारण असमानताएं बढ़ी हैं। और इस संकट का एक विशेषता और ये है कि बहाली भी हो संकट से पार करके, आर्थिक विकास भी हो, जीडीपी ग्रोथ भी होगा, लेकिन रोजगार इससे पैदा नहीं होता है। और उसका कारण यह है कि 21वीं सदी में पूंजीवाद में टेक्नोलॉजी का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है वो बहुत अहम हो चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, रोबोट्स तैयार हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वगैरह, ये जो टेक्नोलॉजी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। तो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी कोशिश करते हैं इंपीरियलिज्म की ओर से कि पूरी तरह जो सबसे विकसित टेक्नोलॉजी है या हाई टेक्नोलॉजी है उस पर मोनोपोली, उसका एकाधिकार उनके हाथ में रहे, उनके दुनिया के बड़े कंपनियां जो है उनके हाथ में रहे। तो ये जो है इसके कारण नए तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन और प्रॉब्लम्स पूंजीवादी व्यवस्था में भी पैदा हुआ है। उस पर और डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि मार्क्सवाद हमें ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, आज जो समकालीन युग में जो पूंजीवादी व्यवस्था में संकट पैदा होता है, वो संकट क्यों उत्पन्न होता है और उस संकट को पार करने के लिए क्या क्या वो कर रहे हैं, उसको भी समझने में हमारे लिए सिर्फ मार्क्सवाद ही मददगार साबित होता है। तो आज हमारे आज की दुनिया में आप देखेंगे कि ये नव उदारवादी पूंजीवाद के संकट का परिणाम क्या है, उसका आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, वो देख रहे हैं। और हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है कि उसका राजनीतिक और सामाजिक जो पहलू है वो समझना। हमने 2008 के इस वित्तीय संकट के बाद देखा है कि दुनिया में दक्षिणपंथी जो ताकते हैं, अति दक्षिणपंथी जो ताकते हैं, उनका प्रसार हुआ है। वैसे 90 के दशक के बाद, जैसे मैंने कहा सोवियत संघ के खात्मे के बाद ही ये दक्षिणपंथी रुझान शुरू हो चुका था। समाजवाद और सोवियत संघ के खात्मे के बाद और समाजवाद कमजोर होने के बाद वो वैक्यूम में यही ताकते घुस गए थे, लेकिन वो और तेज हुआ है वो प्रक्रिया, क्योंकि जैसे नव उदारवादी पूंजीवाद के कारण, जैसे मैंने कहा आर्थिक और सामाजिक जो
समाज के अंदर त्रुटियां पैदा की है, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा किए हैं, उसको पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी ताकतें। जैसे मैंने कहा कि ये पूंजीवादी निजाम में, नवउदारवाद निजाम में रोजगार नहीं बढ़ता है, जितने भी संपत्ति पैदा होता है वो एक मुट्ठी भर लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। तो इससे जो असंतोष पैदा होता है उसको पूरी, और जब वर्किंग क्लास पर बहुत भारी हमला है, जब बेरोजगारी बढ़ता है, इसका मतलब वर्किंग क्लास मूवमेंट कमजोर होता है, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वर्किंग क्लास के अंदर ही ये बेचैनी होती है कि हमारे नौकरी का क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन में काम में क्या हो सकता है। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट पर उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। और ये दक्षिणपंथी ताकतें उसके ये संदेश देते हैं, नारे देते हैं कि ये संकट का कारण है कि विदेशी कुछ लोग आए हैं, जैसे दूसरे देशों से मजदूर आए हैं, बाहर के लोग जो आमतौर पर यूरोप वगैरह में तीसरी दुनिया की देश के मजदूर होते हैं, तुर्की के या दूसरे देशों के, वो कहते हैं ये सब लोग जो है विदेशी है, और कुछ जगह इस्लाम के खिलाफ क्योंकि ये मुस्लिम देशों से आते हैं, कुछ जगह नस्लवादी आधार पर जो काले लोग हैं उनके खिलाफ घृणा पैदा करते हैं, और देश के समाज में इस तरह के ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे एक दुश्मन है बाहर का, वो मजदूर होगा, शोषित होगा, लेकिन वो दुश्मन है। और हमारे देश का जो उसकी समस्याएं हैं उसको हल करना है तो इनके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। तो ये दक्षिण पंथ का हमेशा तरीका है कि वर्ग संघर्ष से हटके जो नस्ल के आधार पर, कलर के, रेस के आधार पर, या देश या विदेश के आधार पर, या लिंग के आधार पर, या माइनॉरिटीज के आधार पर उसको टारगेट करके उनके प्रति घृणा पैदा करें, और उसका सबसे एक्सट्रीम रूप हो जाता है फांसीवाद। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1930 के दशक में फांसीवाद का उदय जर्मनी और इटली और जापान वगैरह में कैसे हुआ। उस समय पूंजीवाद का सबसे गंभीर संकट पैदा हुआ था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, जो बहुत सबसे बड़ी मंदी हुई थी, जिसमें लाखों लाखों लोगों के रोजगार नष्ट हुआ, गरीबी फैला, भुखमरी फैल गई थी, और उस संकट को पार करने के लिए, पूंजीवाद को बचाने के लिए फांसीवाद प्रवेश हुआ था। तो इसी तरह आज नव उदारवादी पूंजीवाद के संकट को पार करने के लिए उग्र तरीके का दक्षिणपंथी जो हस्तक्षेप है वो हम सब जगह देख पाए हैं। अमेरिका में एक रूप धारण किया था 4 साल पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने, और दूसरे देशों में भी आप देख सकते हैं सब दक्षिणपंथी पार्टियां और नेता चुने गए, चुनाव में भी वो हावी हो गए। तो ये मुश्किल घड़ी है पूरी दुनिया में, जब नव उदारवादी संकट के कारण ये सब विघटनकारी ताकतों को फैलने का मौका मिला है, और उनका टारगेट हमेशा होगा वामपंथ और जनवादी ताकतें, और ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटेरियन, एकाधिकार, तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ती है। आज भी चर्चा होती है वो पूरी तरह वर्गीय आधार पर नहीं, क्लास बिना क्लास के, कि सब जगह स्ट्रॉन्ग मैन, मजबूत लीडर उभर के आए, चाहे वो ट्रंप हो जवान 4 साल पहले, या तुर्की का एर्दवान हो, या हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हो, ये सब स्ट्रॉन्ग मैन है, तो मजबूत नेता है जो
ऐसे समाज में जो चुनौतियां हैं या संकट है उसको सामना करके, उसको मुकाबला करके पार कर सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक जो पहलू है इस संकट का, उसको समझना जरूरी है। उसको समझ के ही हम हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसको हम सही तरीके से समझ पाएंगे, आकलन कर पाएंगे और उसके खिलाफ लड़ने के लिए सही रणनीति या समझ अपना सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, दुनिया में 90 के दशक से, पिछले शताब्दी के 90 के दशक से परिवर्तन आया था, साम्राज्यवाद और ताकतवर बना, दुनिया में पूंजी एक नवउदारवाद का जो प्रभुत्व कायम हुआ और ये विघटनकारी ताकतों को प्रवेश होने का मौका मिला, वही हमारे देश में भी वो प्रक्रिया शुरू हुआ। हमारे देश में दो बातें साथ साथ हुई थी, 91 में से ही सोच लीजिए, सोवियत यूनियन के खात्मा, हमारे देश में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह आके उदारीकरण और नव उदारवादी नीतियों का शुरुआत की, और उसी दौर में हमारे देश के अंदर राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व का जो सांप्रदायिक ताकत है या शक्ति है वो बढ़ना शुरू हुआ, और ये दोनों साथ साथ चला। और उसी से हम कहते हैं हमारे देश में एक दक्षिणपंथी झुकाव या दक्षिणपंथी शिफ्ट हुआ एक दशक के अंदर। और अभी हम ऐसे जमाने में हैं जहां हिंदुत्व जो है और कॉर्पोरेट्स या नव उदारवादी निजाम जो है उसके बीच में मेल हो चुका है, और उसका परिणाम है यहाँ मोदी का निजाम, हिंदुत्व का की सरकार, बीजेपी की सरकार, और नंगे रूप से नव उदारवादी नीतियों का खेल। और आज की दुनिया, आज अभी जो पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है, ये महामारी अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक शताब्दी पहले 1919 में पहले बार इतनी बड़े महामारी हुई थी विश्व पैमाने पर। उस समय भी कम से कम दुनिया के, अभी भी वो पूरे आंकड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी भी कहते हैं 10 करोड़ से ज्यादा लोग की मौत हुई थी उस समय। तो एक शताब्दी के बाद, एक सेंचुरी के बाद इसे उसे भी एक भयंकर पैंडेमिक आया है या महामारी आई है, लेकिन आज विज्ञान के डेवलपमेंट के कारण उसके खिलाफ वैक्सीन और दवाई वगैरह उसका इलाज करने के लिए बहुत तेजी से वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन महामारी के समय पर उसका जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव है या इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि ये जो संकट मैंने कहा 2008 की वित्तीय संकट हुआ, उस संकट को पार करने के लिए बहुत समय लगा, एक दशक के बाद भी पूरी तरह बहाली नहीं हुई थी। तो 2019-20 में अभी हमने देखा, 20-21 में, कि दोबारा वही विश्व पैमाने पर आर्थिक संकट बहुत गहरा हो चुका है, गंभीर हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पर मंदी है और उत्पादन के साधन और ह्यूमन लेबर का कॉस्ट जो है वो बहुत भारी नुकसान हुआ है उससे। और हर देश में अभी उत्पादन और जीडीपी और विकास में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इसका असर सीधा हम देख सकते हैं कि इससे क्या हुआ है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, बड़े पैमाने पर जो पहले गरीबी रेखा के ऊपर आ चुके थे पिछले एक दशक में, वो अभी दोबारा गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, और लोगों के हाथ में आजीविका न होने के कारण पैसे नहीं। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये पूरे विश्व पैमाने पर
ये हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश की विशेषता है कि मोदी सरकार, क्योंकि वो नव उदारवादी निजाम के साथ फर्मली जुड़े हुए हैं, उसी दृष्टिकोण पर है, तो उन्होंने जो कदम उठाए हैं महामारी के दौर में, इस एक साल के अंदर हमने देखा उसमें, और दूसरे जो बड़े पूंजीवादी देश है उसके बहुत बड़ा फर्क है। ट्रंप जैसे प्रतिक्रियावादी जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने भी पिछले साल ऐसे पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज, जिसमें हर अमेरिकन नागरिक को, हर व्यक्ति को उन्होंने $600 नकद दिया, $600, और बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ाया, $300 पर महीने उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी दिया। अभी बाइडेन आया है, उन्होंने उसको और डबल दुगुना कर दिया और कहा कि और हम $1200 देंगे हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए, और सिर्फ अमीर तबके को नहीं लेकिन बाकी सबको ये मिलेगा। उसके अलावा और भी पैकेज में बहुत सी चीजें अपने नागरिकों के क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसके बिना फिर डिमांड नहीं ग्रो करेगा, उसके आधार पर ही उत्पादन दोबारा या निवेश बढ़ सकता है। तो जो विकसित पूंजीवादी देशों में जो सबसे बड़े प्रचारक थे, सपोर्टर थे नव उदारवाद का, वो अपने रास्ता पलट दिया, कोर्स चेंज किया है। उन्होंने कहा आज की दुनिया में ये सब नहीं चल सकता, हमें इंटरवीन करना है, सरकार खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार ने ये नहीं किया है। पिछले एक साल में जो राहत के रूप में ज्यादा पैसा खर्च करने के नाम पर सिर्फ GDP का 2% से कम दिया है, जब अमेरिका में 12% है या 15% है। तो नव उदारवाद का जो चपेट में है ये लोग, और इसका मतलब क्या है, पूरी तरह हमारे देश के बड़े इजारेदार पूंजी और बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में है, ये उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, उनके मुनाफे में कोई कमी नहीं रही है इस महामारी के एक साल के अंदर। और आपने पढ़ा होगा, देखा होगा किस तरह अंबानी और अदानी वगैरह का संपत्ति में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है इस महामारी के काल में, 200% बढ़ोतरी है या 300% बढ़ोतरी है, क्योंकि वित्तीय पूंजी का खेल है, उत्पादन से उनका कोई ज्यादा वास्ता नहीं है। तो उनके लिए तमाम सहूलियतें दी गई है महामारी के दौर में, लेकिन आम लोगों के लिए जो हम सब लोग मिलके कह रहे हैं पूरे विपक्ष ने कि कम से कम 7,500 रुपया दो हर परिवार के लिए, वो भी देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो हमारे देश के अंदर ये जो दुनिया में पूंजीवादी निजाम में संकट है, नव उदारवाद का संकट है, उसका सबका दुष्परिणाम जो है, सबसे ज्यादा दुष्परिणाम हम अपने देश में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ये जो हिंदुत्व का राजनीति है या विचार है, विचारधारा है, वो सबसे प्रतिक्रियावादी है। पहचान की राजनीति की, हिंदू राष्ट्र कायम करना है, हम हिंदू है और बाकी सब जो है वो हमारे देश के नागरिक भी नहीं है, उसको हम भारतीय ने भी कहने के लिए तैयार है, बाकी सब तो राष्ट्र विरोधी है, और पूरी तरह एकाधिकार जो कायम करना है, एकाधिकार माने RSS और BJP के एकाधिकार का राज, अथॉरिटेरियन रूल, जिसमें तमाम जनवादी और जनतांत्रिक जो संगठन है या बॉडीज है उसको, उसके जो सार को खत्म किया जाए, एसेंस को फॉर्म में रखा जाएगा रूप में, और एसेंस खत्म किया जाएगा, और वर्गीय आधार पर आप देखें तो ये सबसे प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे देश के
बड़े पूंजीपति और कॉर्पोरेट्स के बिहाव पर काम कर रहे हैं। तो इस एक साल के महामारी ने दुनिया के पैमाने पर सब देशों में और हमारे देश के अंदर न उदारवादी जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंदर की जितने भी त्रुटियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अंतर विरोध है, उसको और तीव्र कर दिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि जनवादी अधिकारों पर और जनता पर हमला तेज हुआ है। किसानों के बारे में आप जानते हैं, तीन जो कानून पास हुए पार्लियामेंट में महामारी के दौर के समय सितंबर में पिछले साल, जिससे पूरे कॉर्पोरेट्स को सहूलियत दिया जाए खेती में आने प्रवेश होने के लिए। चार जो श्रम कानून नए बने हैं, पुराने कानून सब खत्म करके, जो मजदूर वर्ग पर बड़ा हमला है और उन पर शोषण बढ़ाने के लिए पूरी तरह सुविधा देते हैं। तो ये दो बताती है किस तरह ये सरकार ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जिससे हमारे देश के अंदर वर्गीय शोषण को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैला के जो घृणा पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवीजन पैदा कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट करने की राजनीति जिससे वो कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी को हम कंसोलिडेट कर पाएंगे और उसके आधार पर अपने तानाशाही निजाम कायम रखेंगे, ये पॉलिटिक्स आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर आ गया है। और हमें इसको समझ के हमें अपने कार्यनीति बनाना है। रणनीति जो था हमारा, वो रणनीति में ये बात है कि जब शासक वर्ग के हमले तेज होते हैं तो हमारे टैक्टिक्स ऐसे बनना चाहिए जिससे हम और व्यापक रूप से उसका प्रतिरोध, उसके लिए प्रतिरोध तैयार करें। उसको कैसे तैयार करें और वर्ग संघर्ष को तेज करने का जरूरी है, लेकिन वो वर्ग संघर्ष क्या है? आमतौर पर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी सोचते हैं वर्ग संघर्ष का मतलब है ट्रेड यूनियन में हम जो संघर्ष करते हैं मजदूरों के रोजमर्रा मांगों के लिए या किसानों के मांगों के लिए संघर्ष करते हैं, वो वर्ग संघर्ष का एक बुनियाद है, लेकिन वो वर्ग संघर्ष पूरा वर्ग संघर्ष नहीं है, वो इट इज नॉट द फुल क्लास स्ट्रगल। मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष का दूसरे पहलू भी है, आर्थिक पहलू भी है, वैचारिक पहलू है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। तो वर्ग संघर्ष इन सब क्षेत्रों में हमें चलाना पड़ेगा। हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष करना है, फिर वो संघर्ष हम अपने रोजमर्रा आर्थिक मांगों के संघर्ष से पूरा नहीं कर पाएंगे या उसमें सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो वर्ग संघर्ष के लिए मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव संपूर्ण तरीके से वैचारिक स्तर पर संघर्ष, दूसरे पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी विचारों के खिलाफ, राजनीतिक तौर पर संघर्ष जिसमें राजनीतिक हमारा जो हस्तक्षेप है, आंदोलन है, जिसमें पॉलिटिक्स की, हमारे देश के पॉलिटिक्स में चुनाव का भी पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट का भी पॉलिटिक्स है, वो सब आ जाता है, और सामाजिक स्तर पर संघर्ष जो हमारे देश में सामाजिक अन्याय है, सामाजिक शोषण है, जातीय आधार पर उत्पीड़न और शोषण है, उस वो सामाजिक जो व्यवस्था है वो हमारे देश के पूंजीवादी भूस्वामी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, वो समझ के उस क्षेत्र में संघर्ष हम नहीं करेंगे तो हमारा वर्ग संघर्ष कमजोर होगा। और हमारे सांस्कृतिक जो क्षेत्र है इसमें आइडियाज का संघर्ष है, कल्चर का सब में संघर्ष है, उसको हमें आगे ले जाना पड़ेगा। तो आज की दुनिया में क्या हम देखते हैं, अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाकों में देखिए, पूंजीवादी संकट तीव्र होने का मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है।
कोई ऑटोमेटिक कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म होने वाला नहीं है। शासक वर्ग हमेशा उस व्यवस्था के भीतर से कोई ना कोई तरीका अपनाएगा। जैसे फासिज्म को इस्तेमाल किया, फासीवाद को ले आया अपने व्यवस्था को बचाने के लिए, तो एक संकट तीव्र हो सकता है। संकट के कारण अगर उस संकट में वर्गीय स्तर पर पूंजीवादी पूंजीपति ताकतों के खिलाफ दूसरे वर्गों को लामबंद करके एक संगठित आंदोलन नहीं होगा, तो वो संकट से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं निकलने वाला। तो उसके लिए अभी जो दौर चल रहा है दक्षिणपंथी जो झुकाव का, उसके खिलाफ प्रतिरोध भी विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और लैटिन अमेरिका ये इसका सबसे बेहतर मिसाल है कि यही 90 के दशक के अंत में और 2010 तक आपने देखा कि वामपंथी वहां आंदोलन आगे बढ़े और उसका प्रतिबिंब हुआ, उसका वामपंथी सरकारें बहुत से जगहों में चुने गए और साम्राज्यवादी प्रभुत्व के खिलाफ और अपने देश में नव उदारवादी नीतियों को धकेल के एक नया रास्ता चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सीमाएं थी, जैसे वेनेजुएला में और बोलिविया में, इक्वेडोर में। फिर उसके बाद उथल पुथल हुआ है, दक्षिणपंथी फिर दोबारा काउंटर ऑफेंसिव हुआ है साम्राज्यवाद की मदद से, और बोलिविया में वहां के प्रगतिशील सरकार को पहले हटाया, अभी चुनाव होके एक साल के बाद दोबारा हुआ है। इक्वेडोर में वो बदलाव नहीं आया है, चुनाव में वामपंथी ताकतें इस बार भी हार गई, लेकिन वेनेजुएला में अभी भी वो संघर्ष जारी है, उसके खिलाफ पूरी तरह नाकेबंदी है अमेरिका का, जैसे क्यूबा के खिलाफ है, लेकिन वो अभी भी डट के खड़े हैं। लेकिन एक एक देश में ये संघर्ष कभी कभी आगे बढ़ते हैं, कभी कभी पीछे चले जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि हमारे देश में भी ये एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि दुनिया के पैमाने पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश के अंदर रिवर्स में चेंज हुआ है, जिसको मैं कैसे परिवर्तन नहीं, इट इज अ रेट्रोग्रेशन, हम पीछे गए हैं। सबसे प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में, तो उनके खिलाफ संघर्ष के लिए हमें ऐसे मार्क्सवाद का इस्तेमाल करते हुए, हमारे क्रांतिकारी विचारधारा को इस्तेमाल करते हुए, हाउ टू बिल्ड रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और हाउ टू बिल्ड द वाइडेस्ट यूनिटी, और दोनों हिंदुत्व और नव उदारवाद के खिलाफ ये जॉइंट उनका जो एंटरप्राइज बना है, उसके खिलाफ हमारा जॉइंट मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो कैन बी मोबिलाइज, जिन सबको हम लामबंद कर सकते हैं उसको लामबंद करना है, और फिर वही के परिणाम से हम एक ऐसे राजनीतिक ताकत या अल्टरनेटिव खड़ा कर पाएंगे। और हमें पता है कि हमारे देश की परिस्थितियों में जब तक कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथ और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, वामपंथ पार्टी और जनवादी ताकतों को का प्रसार और एकता नहीं होगी, एक विकल्प तैयार नहीं होने वाला है। अभी तो हम सिर्फ बहुत सीमित तरीके का परिवर्तन देख रहे हैं कि किस तरह ये बीजेपी और मोदी सरकार को हटाया जाए, वो प्राथमिक काम है, हमारा प्रायोरिटी है, लेकिन वो काफी नहीं है। इसके साथ साथ हमारे मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि समाज में परिवर्तन ले आना है, समाज में समानता, समाज में सामाजिक न्याय और समानता कायम करना है, तो और हमें एक वामपंथी और जनवादी विकल्प तैयार करना है, और उसी काम में हमें जुटना चाहिए। और आज जब मार्क्स के जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस में हमें ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए, करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मार्क्सवादी सोच और विचार को और शार्पन करें और उसको और साफ करें, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्रांतिकारी आंदोलन और हमारे पार्टी को
मजबूत करने के लिए इतना ही मुझे आज इस अवसर पर करना है कहना है। धन्यवाद। थैंक यू कॉमरेड। थैंक यू।